गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी जो थर्ड पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑर्गेनिक ओरिजन ऑफ लाइफ में, मैंने कल आपको बताया था ओरिजन लाइफ क्या है, ठीक है। आप बता रही रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या कहलाता है, विकास जो होता है, तो जो जीवों में जो विकास जो हुआ है आपके बीएससी थर्ड ईयर एनुअल वाले स्टूडेंट का ये टॉपिक है। विकास का मतलब क्या, पृथ्वी का पाया जाना जीवों के अत्यधिक विभिन्न एवं व्यापक है, पाए जाने वाले विभिन्न जंतु पादप तथा सूक्ष्म जीवों के बहुत विविधता है। विविधता मीन क्या होता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए जीवों के विविध गुणों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। आपको बता दूं कि विकास या उद्विकास एवोल्यूशन अनुकूलनशील समय के साथ क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे एडॉप्ट हुए जीव अपने आप को वातावरण में रहने के अनुसार अनुकूलित किए, उसी को हम विकास कहते हैं, विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो विकास शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किसने किया था, ये दार्शनिक थे हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने विकास या एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, फॉर्म एंड वेलर, मीन्स क्या होता है वही है, अर्थात वह प्रक्रिया जो सरल जीवों में क्रमिक परिवर्तन द्वारा, जो सिंपल जीव लिविंग जीव होते हैं उनमें क्रमिक क्रम बार क्रम कोई परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है, ना कि विकास एकदम से नहीं होता है, ठीक है, तो विकास हो गया। अब देखो चार्ल्स डार्विन ने भी डिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन नाम अर्थात रूपांतरण के साथ आवरण, ठीक है। डार्विन थे, लैमार्क थे, इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास के बारे में बताया, ठीक है। तो जैव विकास या कार्बनिक विकास आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विकास के कुछ प्रमाण होते हैं, क्या एविडेंस होने चाहिए, जैसे किसी चीज को बताया जा रहा है उसे जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा सिद्ध नहीं होगा कि ये सही है कि गलत। इसी प्रकार से विकास के प्रमाण मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि विकास रियल में इस तरह से हुआ है। तो जैसे फर्स्ट में आप देखोगे, पहला हो गया एविडेंस फ्रॉम द कंपिटेटिव मॉर्फोलॉजी, मीन्स क्या है कि आकारिकी और शारीरिक प्रमाण। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे इसमें मुख्य है दो चीजें, पहले समजात अंग यानी जिसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग ऐसे अंग जिनकी संरचना और जो व्यक्तिगत समान हो परंतु कार्बिन, मीन्स दिखने में तो समान होते हैं, मतलब की संरचना समान होती है, ठीक है, व्यक्तिवृत्त जो होते हैं वो भी समान होता है परंतु इनका कार भिन्न भिन्न होता है, दिखने में एक समान होंगे पर इनका जो कार जो होता है भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसमें समजात अंग कहते हैं, समजात अंगों की उत्पत्ति समान होती है लेकिन इनकी जो कार होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे सील और बेल के अग्रपाद, तो सील मछली के अग्रपाद, ठीक है, ऐसे बैट के फिन, चमगादड़ के पंख जब उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आप देखोगे हॉर्स के पहले जो पैर जो होता है फोरलिंग जो होता है चलने के काम आता है, पर दिखने में क्या होंगे ये एक समान होंगे, जो इनका स्ट्रक्चर जो होगा ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस मेटा कार्पस उंगलियां तो बाह्य कंकाल तंत्रिका तंत्र रुधिर वाहिनियां ये सब पाई जाती हैं, अकॉर्डिंग टू जो इसका स्केलेटन जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है समान होता है बट इनके कार भिन्न भिन्न होते हैं, इनको हम समजात अंग कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखेंगे समावृत्ति अंग, समावृत्ति अंग क्या कहलाते हैं, वे अंग जिनके की संरचना और व्यक्ति जो भिन्न भिन्न होती परंतु कार समान होता है, मीन्स क्या हो गया दो चीजें हो गई समजात और समावृत्ति। समजात का मतलब क्या हुआ, जिनके आकार तो समान होता है, ठीक है, आकार समान होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समान होगा बट इनके कार भिन्न भिन्न होगा। समावृत्ति क्या कहलाते हैं कि इनके स्ट्रक्चर जो होगा इनका स्केलेटन जो होगा क्या होगा भिन्न भिन्न होगा बट इनका जो कार जो होता है सेम होता है, समावृत्ति अंग कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो बिग कीट, कीट के पंख, ठीक है, पक्षियों के पंख और बैट के पंख, देखो इनकी क्या है पंखों की संरचना तो अलग अलग होगी बट काम सभी का उल्लेख का काम होता है, तो ये आपको समझ में आ गया कि समावृत्ति का मतलब क्या होता है, जिनकी संरचना तो समान होती है स्केलेटन इनका समान होगा दिखने में समान होंगे, ठीक, मतलब समान परंतु इनके कार क्या होते हैं भिन्न, ठीक है। जैसे कि मान लो समावृत्ति अंग है, समजात अंगों के विपरीत समावृत्ति अंग कार के लिए अनुकूलित माने जाते हैं, ठीक है, मान लो तो ऐसे अंग जिनकी संरचना और व्यक्तिगत भिन्न भिन्न होता है, मीन देखो कि जो कीड़ा जो होगा कीट के पंख अलग दिखाई देंगे, ठीक है, पक्षी के पंख अलग दिखाई देंगे, तितली के पंख अलग दिखाई देंगे, तो देखो इनकी संरचना तो भिन्न भिन्न हुई ना पर कान क्या बना ही है सभी उड़ने के काम आते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे एडोप्टेटिव रेडिएशन, एडोप्टेटिव रेडिएशन के अनुकूलित विकिरण,
जंतु में पाए जाने वाला जैव विकास के अंतर्गत प्रमाण है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्त्री पांच उंगली वाले पादप जो होते हैं, पाद वाले होते हैं, बिल खोदने वाले, तैरने वाले आदि विभिन्न प्रकार से इनका विकास हुआ। अब जो होते हैं वेजिटल ऑर्गन, इसी के अंतर्गत आता है वेजिटल ऑर्गन। वेजिटल ऑर्गन क्या होते हैं, आवेशीय अंग, अवशेषी अंग का वे अंग जो किसी प्राणी में पूर्व में तो विकसित थे पर इनका भी कोई काम नहीं होता है, वो क्या अवशेषी अंग कहलाते हैं, अवशेष के रूप में माने जाते हैं, वेजिटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे नेत्रों की प्लीका सेमिनेरस, जो पलक जो होती है, या फिर जो प्लीका सेमिनेरस जो होती है, तो मानव के प्रत्येक नेत्र के अंदर रूपी कोण पाए जाते हैं झिल्ली के ऊपर। इनका कुत्ते बिल्ली खरगोश आदि में भी ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। कर्ण पल्लव आपको कान के ऊपर वाला जो भाग होता है कर्ण पल्लव कहलाता है, मात्र ध्वनि को एकत्रित करने की क्षमता होती है। कर्ण पल्लव क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। मनुष्य की अकलदार, आपको मालूम है मनुष्य की सबसे लास्ट में अकलदार निकलती है। अकलदार क्या है, अवशेषी अंग के रूप में ही काम होता है, उसका खाने या फिर कुदरने किसी काम में इसका उपयोग नहीं होता, इसको विष्टम तीत भी कहते हैं। टेल वर्टिब्रा, पूंछ कसौटी, मानव में पूंछ नहीं पाई जाती पर कसौटी दंड के नीचे नोक सी निकली हुई होती जो अवशेषी अंग के रूप में काम करती है। क्रमिक वॉर्मेस अपेंडिक्स, शाकाहारी स्तनी जंतु जो होते गाय भैंस खरगोश आदि के आहार नाल में सेलुलोज के पाचन हेतु छोटी बड़ी आंत में बंद कोष्ठ की रूपांतर संरचना पाई जाती है। मानव सर्वाहारी है तो सेलुलोज का पाचन नहीं करता, इसलिए जो क्रमिक रूप परिसेवका होती जिसे वॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं अवशेषी अंग के रूप में होती। कभी कभी आपको पता अपेंडिक्स का पेन होने लगता है ना, तो यह एक अवशेषी अंग है, ठीक है। तो मानव में अतिरिक्त जंतुओं में भी कुछ अवशेषी अंग पाए, जैसे अजगर में, बेल में पाष्टपाद नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक, लेकिन श्रेणी में क्लाएं पाई जाती है। तो ये मैंने जो पहला आपको बताया पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या एवोल्यूशन में जो कंपेयर मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मीन्स क्या कहलाता, आकार की और शारीरिक प्रमाण के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें देखी, समझात अंग देखे, समावृत्ति अंग देखे, अनुकूलित विकरण देखा और चौथा अवशेषी अंग। अगर पेपर में आता तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू।